हम लोग जा रहे हैं मैड्रिड और निकल चुके हैं. अभी हुआ है अराउंड 11:15 एंड यहाँ से हम जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ से 4 घंटे का रास्ता है. सो बीच में जो जो चीज़ें होती जाएंगी आपको दिखाते जाऊँगी. फिलहाल जो रोड्स हैं काफ़ी अच्छी लग रही है और आज हम लोग आराम से निकले हैं, हमारे पेस पे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. सो आज हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले हैं, अब लग रही है ज़ोरदार भूख, तो सोचा चलो कॉफ़ी के लिए रुक जाते हैं. वाया देला प्लेता कैफेटेरिया में हम लोग रुके हैं जो बेसिकली हाईवे के पास है. यहाँ पे आराम से हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी इंजॉय करेंगे. वैसे मैंने साथ में ऑर्डर किया है पटैटो एंड जो ये बनाया हुआ है ऑमलेट, दैट इज़ पटैटो एंड एग्स का ऑमलेट ब्रेड के साथ सर्व किया गया है. और अभिषेक ने ऑर्डर किया है ग्रिल्ड चिकन. हम लोग की जो ड्राइव है वो 4 घंटे की है. सो बातें तो बहुत कर ली, नॉन स्टॉप कार में बैठ के बातें कर ही जा रहे थे, लेकिन टाइम कैसे किल करे बात करते करते, क्योंकि अभिषेक को नहीं चाहिए कि मैं फ़ोन पे इंस्टाग्राम करूँ या व्लॉग एडिट करूँ. ही वॉन्ट्स मी कि मैं बैठ के अभिषेक से बातें करूँ. तो हमने गेम निकाली है, कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करो एंड दी अदर पर्सन विल आस्क यू 20 questions जो कि फर्स्ट पर्सन को येस और नो में आंसर करनी है. एंड ऐसे करके द अदर पर्सन हैज टू नैरो डाउन ऑन वो क्या चीज़ है. कोई पर्सन हो सकता है, कुछ इक्विपमेंट हो सकता है, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. सो दिस बेसिकली अलाउज यू टू अंडरस्टैंड हाउ वेल यू बोथ ऑफ यू नो ईच अदर. हम लोग वो खेल रहे थे जिसमें मैं अभी 4-1 से लीड कर रहा हूँ. नहीं कर रहे, लीड मैं बता रही हूँ. मैंने 2-3 आपने हरभजन सिंह को बॉलर बताया जो कि सॉरी बैट्समैन बताया जो कि बिल्कुल हरभजन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत प्रॉपर बैटिंग से की थी. अभिषेक ने मुझसे क्लियरली पूछा था क्रिकेटर है, मैंने बोला था यस. मैंने पूछा था क्रिकेट में बैटिंग कर चुके हैं, मैंने बोला था यस कर चुके हैं. सो दिस मैंने ही नहीं पूछा था, ही डिड नॉट आस्क बैट्समैन है, इज ही अ बैट्समैन. यस ही वाज अ बैट्समैन, ही वाज अ बैट्समैन. नहीं ही वाज अ बैट्समैन. ऐसे नहीं होता, नहीं आप चीटिंग नहीं कर सकते. और अभी मैंने मनीषा कोइराला एक्ट्रेस ने वो हिंट पे दी अभिषेक को, इतनी सारे 20 questions यूज करना चीटर नंबर 1 है. अभी हम लोग गेम जो खेल रहे थे उसमें हमने क्लियरली मैंने मेंशन किया था, अभिषेक ने एक लोकेशन दी थी, मैंने बताया पानी स्पेसिफिक है, पॉपुलर अमंग इंडियंस है, सबका जवाब यस है. और मालदीव्स मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ लिस्ट में है, लेकिन अभिषेक ने अभी तुरंत बता दिया कि नहीं हमारी लिस्ट में नहीं है, हम नहीं जानना चाहते. मुझे लगा वियतनाम वगैरह की बात. क्वेश्चन था कि इज इट एन आर बकेट लिस्ट. सो यस इट इज आपकी बकेट लिस्ट में, मेरी में नहीं है क्योंकि मैं मालदीव्स नहीं जाना. आपको जाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है. बट क्वेश्चन तो मैंने नहीं, आप नहीं गलत कर रहे हो, चीटिंग नहीं कर सकते. बट मैं जीत चुकी हूँ इसमें, तो इसका पॉइंट मुझे. हाँ जीत चुकी हूँ. हाँ सो गाइस हम लोगों ने मैड्रिड के होटल में चेक इन कर लिया है. सिंपल सा रूम है, आइबिस होटल है जो हमने किया है. सो लोकेशन जो है वो फिलहाल तो अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन वी आर अज्यूमिंग के पास ही है. वॉशरूम भी आपको दिखा देती हूँ. दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द बाथ. ऐसा नहीं लग रहा कि ये चौक से बना दिया है. देखो एक मिनट पोंछ के देखो तो निकलता है क्या. करके तो देखो. दैट इज माय साइड, दिस इज अभिषेक साइड. हाँ क्योंकि मैं गैजेट्स यूज करती हूँ ना. आई नो यू आर ऑलवेज ऑन योर फोन. सो यहाँ पे है हम लोग जिसने मस्ती तो आज बहुत की है पर थके भी बहुत है. हाँ यार थक गए कल, स्पेशली कल इतना एग्जर्ट करके. आई थिंक कल हम दोनों के लाइफ का पर्सनल रिकॉर्ड था ना. हाँ. नंबर ऑफ स्टेप्स 26,000 and 24,000 आई थिंक आपका था. हाँ. अमेजिंग, आई नेवर इमेजिन कि हम दोनों इतना चल पाएंगे. आप तो चल पाओगे, लेकिन मैं नहीं विश्वास कर पा रही हूँ कि मैंने 23,000-24,000 एक दिन में कर डाले. और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मुझे नूडल्स मिल गई, वेजिटेरियन के ऑप्शंस कम होते हैं. अभिषेक ने बर्गर ऑर्डर किया है. सो आज है हमारा मैड्रिड में डे 2. 3 days हमने मैड्रिड के लिए रखे हैं. रात भर हमने अनवाइंड किया, रेस्ट किया, आगे की डेज की बुकिंग करी. टॉप अट्रैक्शंस जो है ये अभिषेक का लुक है आज का. और अब हम लोगों को पहुंचना है 460 पर. प्यारी सी मैंने बीच कलर की ड्रेस पहनी है, कंफर्टेबल लुक रखा है. लेकिन एक चीज़ ये हो गई है कि मैं इतना ज़्यादा चल चुकी हूँ ना, मेरे पीछे पैर में पेन हो रहा है मेनली ब्लिस्टर्स की वजह से. सो आज मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ. एक्सप्लोर तो पूरा करने वाली हूँ, लेकिन चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है.
सो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं एक फुटबॉल के स्टेडियम में, रियल मैड्रिड का स्टेडियम है जहाँ पे हम जाके विजिट करेंगे। सो दिस इज द आइकॉनिक बर्नबेउ एंड वी आर गोना विजिट इनसाइड। हम लोग म्यूजियम देखेंगे, स्टेडियम टूर करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, ऑल्दो आई मीन एवर सिंस 2006-07 आई नेवर सपोर्टेड दिस टीम, आई मीन आई बीन प्रैक्टिकली अगेंस्ट देम। But the ground is beautiful and very, very excited. और हम आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। ग्राउंड इज सिंपली अमेजिंग, आई मीन द व्यू फ्रॉम हियर, आई थॉट इट वाज प्रीटी फार अवे, बट इट्स वेरी वेरी क्लोज टू द एक्शन एंड इट्स एन अमेजिंग स्टेडियम। आई मीन यू गेट यहाँ पे जब एटमोसफेयर होता होगा, जब ये फील्ड होता होगा, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ नॉइज जो यहाँ पे होता है। सही में क्या फेस्टिवल होता है, एवरी मैच वुड बी लाइक अ ग्रेट सेलिब्रेशन है, एंड क्या फीलिंग आ रही है। आई मीन यू प्रीटी क्लोज टू द एक्शन लाइक आई सेड, एंड काफी क्लियर दिख रहा है। आई वुड लव टू वॉच अ मैच हियर। पीलू कैसा लग रहा है आपको सांतियागो बर्नबेउ आके? तो हम लोग स्टेडियम में काफ़ी देर बैठे रहे, अराउंड 1 आवर बैठे, आराम से बातचीत करी और फिर हम गए नीचे स्टोर में जहाँ पे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फुटबॉल्स है, टी शर्ट्स है, जैकेट्स है, यू नेम इट एंड इट इज़ देयर। सो यहाँ पे जाके हमने स्ट्रोल अराउंड किया, शॉप करने का प्लान नहीं था लेकिन आराम से पूरा घूमे और बहुत मज़ा आया। सो स्टेडियम विजिट करने के बाद नाउ वी आर हेडिंग टू दिस प्लेस, चॉकलेट एरिया सेंट जी। दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स चूरो, और मैड्रिड में अगर आप चूरो डालोगे तो ये प्लेस सबसे पहले आएगी जहाँ हम पहुँच चुके हैं। और मेरा तो स्वीट टूथ है, मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है और चूरोस को लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी। बहुत ही डेंस हॉट चॉकलेट है ये, और पूरा एक्सपीरियंस मेरा कैसा लगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ के चूरोस खाते ही हम दोनों की बोलती बंद हो गई क्योंकि इतने टेस्टी लग रहे थे ये, प्लस इनकी जो हॉट चॉकलेट थी वो बहुत डेंस थी। साथ में हमने वियनीज कॉफ़ी विद क्रीम भी ऑर्डर करी एंड इट वाज माइंड बॉगलिंग। सो यहाँ पे तो हमारा जो एक्सपीरियंस था 10/10 था डेफिनेटली। सो अभिषेक, अभी हमने बेस्ट चूरोस जो है मतलब वो तो हमने खाए, उसके बाद में क्या बताना चाहोगे? I think one plate of 6 churros and 2 poras and a couple of hot chocolates with Viennese coffees. I mean, fabulous. We really loved it. Highly recommend it. If you're coming to Madrid, drop down to this place. Your visit isn't complete without having churros here. I mean, I think Madrid is the best churros. Humne across Spain jahan churros ka is jagah ke best the, and you can see the crowd. You can not find an empty table. 1894 se hai ye place. Correct, correct. Very old also. A lot of celebrities also. Jinke saath pictures the. From Hollywood, स्पैनिश सेलिब्रिटीज एक्सेट्रा सब यहाँ है। मैराडोना पूरी लेन ही वैसे चूरोस वाली है ना, इन्हीं की, जैसे पीछे भी है यहाँ पे, इस साइड भी टेक अवे है। लव्ड इट, लव्ड इट।
और अब हम लोग आ चुके हैं प्लाजा मयोर पे, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहती है, लोग अलग अलग तरीके से इंजॉय करते हैं यहाँ पे। कुछ लोग अपना म्यूज़िक प्ले करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे घूमते हैं, डांस करते हैं, स्ट्रोल अराउंड करते हैं। इन शॉर्ट दिस प्लेस इज़ ज़बरदस्त। यहाँ पे वैसे शाम को एक कॉन्सर्ट भी होने वाला है, जो हम अटेंड करने का अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं। मीनवाइल ये सिटी सेंटर के आसपास ही हम लोग हैं, और हमारा प्लान है कि आसपास यहाँ जो भी हैपनिंग चीज़ें हैं घूमने की, शॉप करने की, आइकॉनिक प्लेसेस, उसे घूम लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास अच्छा टाइम है पूरे मैड्रिड को एक्सप्लोर करने का। वैसे मुझे ये गोरिल्ला जो है वो दिखा, और तुरंत मैं इसके पास पहुँच गई पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए। ये है वो कॉन्सर्ट जहाँ होने वाला है, और यहाँ पे अच्छा खासा रश है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आएंगे, वैसे 7:30 के बाद यहाँ पे कॉन्सर्ट शुरू होगा, सो उसी के आसपास हमारा आने का प्लान है। मीनवाइल ये जगह आप देखिए, यहाँ की आइकॉनिक प्लेसेस में से है। गॉथिक और मूरिश जो आर्किटेक्चर है उसको कंबाइन करके ये जो ब्यूटीफुल कैसल है उसे बनाया गया है। बहुत ड्रामेटिक डिटेल्स इसकी लग रही है। तो फिलहाल हम लोगों का प्लान है कि हम दोनों यहाँ बैठ के पीपल वॉचिंग करेंगे, जगह को अडोर करेंगे और क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। और यहाँ पे खड़े रह के हम लोगों ने बहुत सारे एक दूसरे के जो पिक्चर्स है वो क्लिक किए। ये जगह हमें इतनी अच्छी लगी कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 से 3 घंटा बैठ के हम लोग यहाँ पे जो लोग गाने प्ले कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो ऑब्ज़र्व करी। और वहीं पे पास में एक जगह थी जहाँ से आस पास से टॉप व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत लश ग्रीन हो रहा था, वो हमने देखा। वहाँ पे भी थोड़ी देर हम बैठे। तो ये जो हमारा पूरा टाइम यहाँ पे था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा था। और मेनली क्या होता है ना, जब आप ऐसी जगह बैठते हैं तो पीपल वॉचिंग करने में बहुत मज़ा आता है। आराम से टाइम निकालो, लोगों को ऑब्ज़र्व करो, और आराम से टाइम स्पेंड करके रील्स बना के हम लोग आगे थोड़ा पहुँचे। और यहाँ पे भी अलग सा और उसके बाद हमें लगी तेज़ वाली भूख, तो पास ही के एक रेस्टोरेंट में हम आए। और वैसे जिस रेस्टोरेंट में हम आए वो बहुत हाईली रेटेड जगह थी, जहाँ पे रिज़र्वेशन मिलना मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन होता है। लेकिन हमने जब यहाँ पे वॉक इन किया हमें आराम से टेबल मिल गई, सो यस वी वर लकी। मैंने तो टोस्ट जो है वो ऑर्डर किया था चीज़ के साथ, अभिषेक ने चिकन मंगवाया था ग्रेवी के साथ, सो यस दिखने में तो ये काफ़ी इंडियन वर्जन लग रहा है। आराम से पेट पूजा करके हम लोग आ गए वही जगह पे, प्लाजा मेयोर पे, जहाँ पे होने वाला है कॉन्सर्ट। पेट अच्छे से हमने भर लिया ताकि आराम से घंटों हम लोग ये कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सके। कार्लोस सैडनेस का जो कॉन्सर्ट है वो होने वाला है, जो एक स्पैनिश आर्टिस्ट है जिसके गाने हर जगह अवेलेबल है और बहुत प्यारे गाने। Yeah.
कल रात हमने पूरा कॉन्सर्ट जो है बहुत लेट नाइट तक अटेंड किया। रूम पे आने में भी काफ़ी टाइम हो गया। सो अभी हुआ है सुबह के 11:30। आज नींद ही सीधे 10 बजे खुली और रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं प्राडो म्यूज़ियम के साइड। फिलहाल तो यह अच्छी खासी ठंड है, मतलब बहुत सारी थी, पर अच्छा इस लगे से एसी ऑन करके रखा है, चिल्ड है एकदम। तो अभी हम जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए। हम एक बस बदल चुके हैं, बस के बाद एक मेट्रो बदल चुके हैं, वापस से मेट्रो बदल के जा रहे हैं प्राडो म्यूज़ियम पहुंचने के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट पेंडिंग है जो वहीं पे जाके हम लोग करने वाले हैं। सो फिलहाल हमें यहाँ मुड़ना है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल चुका है, ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका है पहुँचते पहुँचते। और ये जगह के रिव्यूज़ फैब है। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज मुरीलो कैफ़े। यहाँ के रिव्यूज़ देखते ही हमने सोचा यहीं पे हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अब लग रही है ज़ोरदार भूख। प्राडो म्यूज़ियम के ही पास है ये जगह। मैंने ऑर्डर किया है मशरूम ट्रफल पिज्ज़ा, बेस बहुत थिन और क्रिस्पी है, यमी है ये पिज़्ज़ा। और अभिषेक ने ऑर्डर किया है सैमन। और डिज़र्ट में हमने ऑर्डर किया है कैरेट केक विथ वैनिला फ्रॉस्टिंग। और ये जितना खूबसूरत दिख रहा है उससे ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा टेस्टी है। तो दिन इज़ मेड एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट प्राडो म्यूज़ियम। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, बहुत ह्यूज म्यूज़ियम है ये एक्चुअली। सो हम लोग प्राडो म्यूज़ियम की क्यू में हैं और अच्छा खासा रश यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे 12th से लेके 20th सेंचुरी तक के जो बहुत बेस्ट से ज़्यादा बेस्ट एक्सेलेंट जो आर्टिस्ट हैं उनका काम यहाँ पे शोकेस किया गया है 12th से लेके 20th सेंचुरी। तो ये यूरोप में बहुत ही रेनोन है। तो अगर आप हमारी तरह, मतलब हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं म्यूज़ियम ऑफकोर्स देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए। अगर आप आर्ट एंथुजियास्ट हैं तो ये जगह को आपकी आइटिनरी में ऐड डेफिनेटली कर सकते हैं। वैसे ये स्कैफोल्डिंग पे जो पेंटिंग देख रहे हैं ये बहुत आइकॉनिक पीस है। और ये जो आप देख रहे हैं एक मैग्निफिसेंट 18th सेंचुरी की पेंटिंग है। हाँ, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे रिक्रिएट किया गया है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर ये लगाया हुआ है। सोचिए इतना बड़ा स्कैफोल्डिंग पे ऐसा ज़बरदस्त पेंट किया गया है, तो अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अराउंड 3.5-4 घंटे हमने लगाए हैं प्राडो म्यूज़ियम में। यार मुझे लग रहा है कि म्यूज़ियम में मुझे बहुत ज़्यादा आर्ट जो पेंटिंग्स जहाँ होती है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअली। सुबह 10 बजे से आ जाते हैं ना तो 6 बजे तक का टाइम भी मुझे लगता है थोड़ा कम ही पड़ता, क्योंकि इतनी सारी पेंटिंग्स है उसकी इंफॉर्मेशन रीड करना, उसके बारे में पढ़ना, फिर देखना कि कैसे वो उस पेंटिंग को स्पेशल बना के प्रेजेंट किया गया है इज़ समथिंग एल्स। मुझे प्राडो म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट इतना नहीं भी है ना तो भी आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा, तो प्राडो म्यूज़ियम डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे हम लोग आ चुके हैं अब मैड्रिड के एक बहुत फेमस पार्क में, विच इज़ एल रिटिरो पार्क। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बेसिकली ये पहले जो था सिर्फ कैसल के लिए था, लेकिन बाद में इसे ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए भी। इस पार्क में बहुत सारे स्टैचूज़ है, आर्टिफिशियल लेक है जहाँ पे बोटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन्स भी हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ लाइक सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क, जैसे हमारा बोरीवली नेशनल पार्क है मुंबई में, बरोड़ा में कमाटी गार्डन है,
उस तरीके से इट्स अ ह्यूज पार्क इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड इसमें मतलब दिस इज आई मीन 100 ईयर से ज़्यादा पब्लिक ओपन हो चुका है एज अ लॉट ऑफ स्पेशलिटीज स्टैचूज प्लेसेज फॉर फ्री स्टाइल परफॉर्मेंसेज एंड लॉट्स ऑफ वराइटीज ऑफ रोजेज एक्सेट्रा एंड इट्स ह्यूज तो बेसिकली इट टेक्स अबाउट 3-4 आवर्स टू स्ट्रोल थ्रू द एंटायर पार्क हम लोग वही करेंगे इट ऑल्सो इज अ प्लेस फॉर बोटिंग जहाँ हम जाके बोटिंग करने वाले सो लेट्स सी टाइम हो चुका है कि मैड्रिड को हम बाय बाय बोलें जाने के पहले हम लोग कर रहे हैं हमारे होटल में ही ब्रेकफास्ट अभिषेक अपनी कॉफ़ी अच्छे से स्टर कर रहे हैं हियर इज़ द केक हियर इज़ माय कॉफ़ी सो इसी के साथ हमारा मैड्रिड जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा और हर सिटी को मिलने का वहाँ की लोगों से मिलने का इंटरेक्ट करने का जगहों को एक्सप्लोर करने का फूड कल्चर को जानने का मज़ा जो है वो टोटली अलग ही है मैड्रिड मुझे इतना अच्छा लगा कि डेफिनेटली ये मेरी लिस्ट में है कि मैं वापस से यहाँ पर आऊँगी मैंने नहीं सोचा था मुझे मैड्रिड इतना अच्छा लगेगा पर मुझे अच्छा लगा अगर मैड्रिड से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू कॉमेंट मैं उसका जवाब दूंगी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अब सैन सेबास्टियन के लिए सैन सेबास्टियन को लेकर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो बीच लोकेशन है मुझे बीचेस से बहुत ज़्यादा प्यार है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब